हेलो कॉमरेड फैमिली, सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आपको पता होगा यहाँ पर हम कर रहे थे शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स का टॉपिक। इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट, देन आपको पता होगा कि आपका एक सब्जेक्ट है मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। सो उसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक है शेयर एंड म्यूचुअल फंड्स, वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने इसकी वीडियोस देख ली हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था एंड प्रीवियस वीडियो जो थी उसमें हमने देखे थे शेयर से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। पहले आपको थ्योरी देखनी है शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, एंड देन उसके बाद आप न्यूमेरिकल करोगे अच्छे से समझ आ जाएंगे शेयर्स के। अगर आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं देखे हैं देन प्रीवियस वीडियो में जाके पहले शेयर्स के कर लो, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स के स्टार्ट करना। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। बहुत ही सिंपल वीडियो रहने वाली है, बिल्कुल ईजी से क्वेश्चन है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाने, बस वीडियो को एंड तक देखना एंड अच्छे से ध्यान से समझना। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। So, यहां पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। इफ अ म्यूचुअल फंड हैड नेट एसेट वैल्यू ऑफ 28 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड 38 एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइंड द एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज इन नेट एसेट वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या बोला है कि म्यूचुअल फंड जो है उसका नेट एसेट वैल्यू बिगिनिंग में 28 रुपीज है, एंड में 38 रुपीज है। सबसे पहले तो हमें यहाँ निकालना है एब्सोल्यूट चेंज कितना है, उसके बाद नेट एसेट वैल्यू में परसेंटेज चेंज कितना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे एंड सबसे पहले हम देखेंगे एब्सोल्यूट चेंज। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज कितना आया इसमें, एब्सोल्यूट चेंज। अब देखो एब्सोल्यूट चेंज किस तरीके से निकालते हैं, बिगिनिंग में कितना था एंड एंड में कितना था। ठीक है, सो यहाँ पर बिगिनिंग में था हमारा 28, एंड में था 38। सो यहाँ पर हमारा जो एब्सोल्यूट चेंज आएगा वो कितना आएगा, 38 माइनस 28। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज जो आया वो कितना आया, 10 रुपीज का आ गया। ठीक है, इतनी सिंपल सी चीज है, ये तो समझ आ रही होगी कि एंड में 38 है एंड बिगिनिंग में जो है वो 28 है, तो चेंज जो आया ड्यूरिंग द ईयर, पूरे ईयर में जो चेंज आया वो कितना आया, 10 रुपीज का चेंज आया। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज आ गया। अब हम निकालते हैं परसेंटेज चेंज। ठीक है, परसेंटेज चेंज। अब परसेंटेज चेंज किस तरीके से निकालेंगे, सो परसेंटेज चेंज का आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज। अब देखो यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज क्यों निकालने बोला था, इसीलिए निकालने बोला था कि हमें परसेंटेज चेंज में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो अगर आपको एब्सोल्यूट चेंज नहीं गिवन होता है निकालने को और आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, तो पहले आपको एब्सोल्यूट चेंज निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको फॉर्मूले में एब्सोल्यूट चेंज लगाना है। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज लगा लिया, अब क्या आएगा, अपॉन नेट एसेट वैल्यू इन बिगिनिंग। ठीक है, बिगिनिंग में जो होंगे हमारे वो आ जाएंगे इसमें नेट एसेट वैल्यू। सो यहाँ पर हमारी बिगनिंग वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं, परसेंटेज का हमें जहां पर भी निकालना है वहां आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इंटू करना है 100 से। ठीक है, अब देखो किस तरीके से निकालेंगे, एब्सोल्यूट चेंज अभी हमने निकाला कितना आया, 10 रुपीज आया। नेट एसेट वैल्यू बिगनिंग में कितना है, 28। ठीक है, इंटू 100, बस इतना सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है एंड इसको डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर चेंज निकाल लेना है। सो इसका हमारा आ जाएगा 35.71%। ठीक है, सो ये आ गया हमारा परसेंटेज चेंज 35.71। ठीक है, किस तरीके से निकल के आया, 10 की 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 28 से डिवाइड कर लोगे, आप करके देख लो 35.71 आ जाएगा आपका परसेंटेज चेंज। ठीक है, इस तरीके से निकालना है परसेंटेज चेंज। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ नेट एसेट वैल्यू वॉज 72 एट द एंड ऑफ द ईयर विद 12.5% इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर, फाइंड नेट एसेट वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको बिगनिंग एंड एंड दोनों दे रखा था, यहां पर क्या बोला है, एंड दे रखा है और आपको ये बता रखा है कि कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एंड में आपका जो है वो ज्यादा है, बिगिनिंग का जो है वो कम आया होगा। ठीक है, बट यहाँ पर हमें करना क्या है, बिगिनिंग का नेट एसेट वैल्यू निकालना है। ठीक है, बिगिनिंग का निकालना है, बट निकालेंगे कैसे वो देखेंगे। 72 एंड का दे रखा है, 12.5 से इंक्रीज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 12.5%, इट मीन्स कि टोटल अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, 112.5। ठीक है, सो इस तरीके से हम निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें एंड का दे रखा है नेट एसेट वैल्यू 72। ठीक है, बिगिनिंग का हमें निकालना है,
बिगिनिंग का हमारे को नहीं मालूम है, नहीं गिवेन है, अब किस तरीके से निकालेंगे, जो जो चीजें हमें गिवेन है उसी तरीके से निकालेंगे। सो यहाँ पर 12.5% हमें गिवेन है, ठीक है, इंक्रीज जो हुआ है वो 12.5 गिवेन है। तो 100 में अगर हम 12.5 ऐड कर दें, इट मींस कि हमारा कितना आ जाएगा 112.5, ठीक है, कि जो एंड वाला है उसकी वैल्यू कितनी है 112.5, एंड जो बिगिनिंग का रहेगा वो कितना होगा 100% होगा, ठीक है। सो इसको अगर हम निकालें तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 1.125, ठीक है, ये आ गया हमारा 1.125। आप क्या करेंगे, किस तरीके से निकालेंगे बिगिनिंग का, ठीक है, बिगिनिंग नेट एसेट वैल्यू 72 हमें एंड का गिवेन है, ठीक है, 72 अपॉन 1.125, ठीक है, देन हमारा निकल के आ जाएगा बिगिनिंग नेट एसेट वैल्यू, ठीक, डिवाइड कर लेंगे इसकी। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि भाई जो इंक्रीज हुआ था वो 12.5 से इंक्रीज हुआ था, एंड यहाँ पर जो 100 से डिवाइड कर रहे हैं हम कितना आ रहा है 1.125, सो इससे डिवाइड करेंगे कि इतना इंक्रीज हुआ है तो इससे कम करके कितना आएगा, 1.125 से डिक्रीज करके डिवाइड करके कितना आएगा यहाँ पर, सो ये हमारा आ जाएगा 64, ठीक है, बिगिनिंग का नेट एसेट वैल्यू जो आएगा वो आएगा 64। अगर आप 1.125 से 72 को डिवाइड करते हो तो यहाँ पर 64 आता है, इट मींस कि जो आपका नेट एसेट वैल्यू आएगा बिगिनिंग का वो 64 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर में, इंक्रीज हो रहा है, इट मींस कि आपका जो 1 अप्रैल को था, ठीक है, 1 अप्रैल को जो था वो कम था, एंड जो 31 मार्च को है वो ज्यादा है। आपको यहाँ पर एंड का दे रखा है, 31 मार्च का दे रखा है, ठीक है, सो 31 मार्च को जो है वो आपका 12.5 ज्यादा है, तो बिगिनिंग वाला जो है वो कम होगा, कितना कम होगा वो हमने निकाल लिया 1.125 एंड देन 64, ठीक है। सो इस तरीके से हम निकालेंगे, देन हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहित परचेज सम यूनिट इन ओपन एंड इक्विटी फंड 16 rupees, द फंड डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरिम डिविडेंड 5 पर यूनिट एंड नेट एसेट वैल्यू ऑफ द फर्म एट एंड ऑफ द ईयर वॉज 25 rupees, फाइंड द टोटल परसेंटेज रिटर्न, कैलकुलेशन आर अप टू 2 decimal points। यहाँ पर बोला है कि जो रोहित है वो परचेज करता है ओपन एंड इक्विटी फंड्स। फंड्स के भी आपको टाइप गिवन थे, फर्स्ट वाला जो लेक्चर मैंने इंट्रोडक्शन कराया था आपको उसमें बताया था कि कौन कौन से हमारे यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स होते हैं, किस तरीके के फंड होते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि ओपन एंड इक्विटी फंड लिया है उसने 16 रुपए का, ठीक है, एक यूनिट, कुछ यूनिट ली है 16 रुपए के हिसाब से। इंटरिम डिविडेंड जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 5 rupees पर यूनिट, ठीक है, एंड जो नेट एसेट वैल्यू फंड का दे रखा है एंड में वो दे रखा है 25। यहाँ पर हमें टोटल परसेंटेज रिटर्न निकालना है और कैलकुलेशन बोला है कि बहुत ज्यादा लंबी नहीं करनी है, ठीक है, क्या करना है 2 decimal point तक अगर हमारा आ रहा है तो वो लिख देना है, ठीक है। सो यहाँ पर निकालते हैं एंड स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, क्या निकालना है, टोटल परसेंटेज रिटर्न निकालना है। अब देखो सबसे पहले तो हम निकालेंगे टोटल गेन, गेन कितना हुआ, ठीक है, टोटल गेन। अब देखो गेन हम किस तरीके से निकालेंगे, जो भी नेट एसेट वैल्यू है उसमें जो चेंज हुआ है, ठीक है, जो चेंज हो रहा है प्लस डिविडेंड जो दिया जा रहा है, ठीक है। सो यहां पर हम लगा लेंगे चेंज इन नेट एसेट वैल्यू प्लस डिविडेंड, ठीक है, प्लस डिविडेंड। अब देखेंगे चेंज कितना हुआ है, अब देखो चेंज कितना हुआ है यहां पर 25 माइनस 16, एंड डिविडेंड कितना गिवन है यहां पर, डिविडेंड हमें गिवन है 5 rupees, ठीक है। सो अगर हम माइनस करते हैं देन यहां पर हमारा कितना आ जाएगा 9 प्लस 5, तो ये हमारा आ जाएगा 14, ठीक है, जो टोटल गेन आया वो कितना आया 14 rupees का, ठीक। अब निकालेंगे टोटल परसेंटेज, अब देखो टोटल परसेंटेज जो आएगी, टोटल परसेंटेज गेन, टोटल परसेंटेज किस तरीके से निकालेंगे, टोटल गेन, ठीक है, टोटल गेन, गेन जो अभी हमने निकाला है, अपॉन जो हमारी नेट एसेट वैल्यू है बिगिनिंग में, ठीक है, नेट एसेट वैल्यू एट बिगिनिंग, एंड यहां पर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, सो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब टोटल गेन जो हमने निकाला कितना निकाला, 14 निकाला, ठीक है, 14 निकाला। अब बिगिनिंग में यहां पर हमें जो नेट एसेट वैल्यू गिवेन है वो कितना गिवेन है, 16 गिवेन है, एंड इनटू कर देंगे 100 से, ठीक है। सो अगर आप इसको डिवाइड करते हो, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 7 अपॉन 8, 700 की 8 से डिवाइड कर लोगे, सो यहां पर परसेंटेज हमारी आ जाएगी 87.5%,
ठीक है, टोटल गेन जो हमारा निकल के आया वो कितना आया, 87.5%। ठीक है, ये टोटल गेन आ गया। यहाँ पर हमें क्या निकालना था, फाइंड द टोटल परसेंटेज ऑफ रिटर्न, कि रिटर्न जितना भी आया उसकी टोटल परसेंटेज निकालनी है। ठीक, सो इस तरीके से हम टोटल परसेंटेज निकाल लेंगे। देन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, मिस्टर हॉजर परचेज सम यूनिट्स इन ओपन एंड फंड एट 30 रुपीज एंड इट्स नेट एसेट वैल्यू आफ्टर 18 मंथ्स वॉज 45 रुपीज। फाइंड द एनुअलाइज चेंज इन नेट एसेट वैल्यू एज परसेंटेज। अब यहाँ पर क्या बोला है, मिस्टर हॉजर है वो परचेज करते हैं कुछ यूनिट ओपन एंड फंड की। ठीक है, टाइप ऑफ फंड दे रखा है यहाँ पर ओपन एंड फंड, 30 रुपीज है और इसकी नेट एसेट वैल्यू जो है 18 मंथ्स के बाद, 18 महीने बाद, इट मीन्स कि 1.5 साल बाद हम कह सकते हैं 45 रुपीज हो गई है। अब यहाँ पर निकालना क्या है, एनुअलाइज चेंज जो आया है नेट एसेट वैल्यू में एज अ परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज चेंज में निकालना है उसको। सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, एंड क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे चेंज कितना आया। ठीक है, सो चेंज यहां पर अगर हम निकालते हैं, चेंज इन नेट एसेट वैल्यू इन 18 मंथ्स। ठीक है, हमें 18 मंथ्स का यहां पर गिवन है तो यहां पर 18 मंथ्स का लगाएंगे। ठीक है, 18 मंथ्स का। अब देखो किस तरीके से निकालेंगे, यहां पर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 45 गिवन है एंड 30 गिवन है। सो यहाँ पर हमारा चेंज जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 15 रुपीज का चेंज आ गया। ठीक है, चेंज समझ में आ गया, निकाल लिया क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके हमने चेंज निकाल लिया कि ड्यूरिंग द 18 मंथ्स कितना चेंज हुआ वहां पर। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, एनुअलाइज चेंज। एनुअलाइज चेंज का मतलब कि एनुअल में, ठीक है, पर ईयर में कितना चेंज हुआ है। सो यहाँ पर एनुअलाइज चेंज निकाल लेंगे, एनुअलाइज चेंज। अब एनुअलाइज चेंज किस तरीके से निकालेंगे, चेंज इन नेट एसेट वैल्यू अपॉन नेट एसेट वैल्यू एट बिगनिंग। ठीक है, इनटू, अब देखो एनुअल का निकाल रहे हैं तो 12 लगाएंगे। एनुअल का मतलब हम यहां पर बोलते हैं कि एनुअल का मतलब है पूरा साल। ठीक है, एक ईयर, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। यहाँ पर 18 मंथ्स का दे रखा है तो यहाँ पर हमें निकालना है 12 मंथ्स का। ठीक है, एंड अपॉन जितने भी नंबर ऑफ मंथ्स गिवेन है। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स एंड इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला है एज अ परसेंटेज निकालना है। ठीक, अब देखो चेंज कितना आया, चेंज इन नेट एसेट वैल्यू ये हमारा आया 15। अब नेट एसेट वैल्यू अगर बिगिनिंग में देखें तो बिगिनिंग में कितना है, यहाँ पर 30 गिवन है। ठीक, इनटू 12 मंथ्स तो हमें एज इट इज लगा लेना है। नंबर ऑफ मंथ्स कितने गिवन है, यहाँ पर 18 मंथ्स गिवन है। ठीक है, इनटू कर देनी है 100। वैल्यू समझ में आ गई किस तरीके से पुट करनी है। अब देखो किस तरीके से निकालेंगे इसका, 15 2 6, ठीक है, एंड 6 3 1। तो अगर हम डिवाइड करते हैं 3 एंड 100 की, सो ये हमारा आ जाएगा 33.33%। ठीक है, अब हम इसके आगे अगर करते रहेंगे तो 3 3 3 3 आता रहेगा। ठीक है, बट इसको हम 33.33 लिख सकते हैं। सो यहाँ पर जो हमारा एनुअलाइज चेंज आया नेट एसेट वैल्यू में एज अ परसेंटेज, सो परसेंटेज में हमारा कितना आया, 33.33। अब अगर आपको क्वेश्चन में ये ना बोला हो कि आपको सिर्फ एनुअलाइज चेंज निकालना है नेट एसेट वैल्यू में, परसेंटेज में नहीं निकालना है, तो ये हमने जो 100 लगाया है वो 100 हम यहाँ पर पुट नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हमें परसेंटेज पर कोई चीज निकालनी होती है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर हमें परसेंटेज में नहीं निकालना है तो क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ मंथ्स है, एनुअल का हम 12 मंथ्स लगा लेंगे, देन हमारा वहां पर चेंज निकल के आ जाएगा। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बिल्कुल किस तरीके से हम निकालेंगे। म्यूचुअल फंड्स के क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में किए हैं एंड दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। रागिनी इन्वेस्टेड 94,070 इन म्यूचुअल फंड व्हेन नेट एसेट वैल्यू वाज 460 विद एंट्री लोड ऑफ 2.25%, शी रिसीव अ डिविडेंड 5 per unit, शी लेटर सोल्ड ऑल यूनिट्स ऑफ फंड विद एन एग्जिस्ट लोड 0.5%। If her gain was 1,654, find net asset value at which she sold the unit. Calculation are up to 2 decimal points. यहाँ पर क्या बोला है, रागिनी ने invest किए 94,070 म्यूचुअल फंड्स में
जब नेट एसेट वैल्यू की जो वैल्यू थी वहां पर वो 460 थी, एंट्री लोड वहां पर था 2.25%, उन्होंने रिसीव किया 5 पर यूनिट के हिसाब से डिविडेंड, कि एक यूनिट का आपको 5 रुपीज डिविडेंड मिलेगा। तो जितनी भी यूनिट उन्होंने परचेज की है, इन्वेस्ट की है, उस हिसाब से उनको उसका डिविडेंड मिलेगा। उसके बाद उसने वो सारी यूनिट सोल्ड कर दी, ठीक है, बेच दी एग्जिस्टिंग लोड जो था 0.5% पे। अगर उसको गेन होता है 1654 का, तो वहां पर आपको नेट एसेट वैल्यू निकालना है जितनी यूनिट्स उसने सोल्ड की होंगी, ठीक है। एंड यहाँ पर कैलकुलेशन जो है आप तो 2 डेसिमल तक करनी है, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी आती है देन उसको अप्रोक्स करके आप 2 डेसिमल पॉइंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपको करना है खुद से प्रैक्टिस में। आज के वीडियो में हमने देखा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स दोनों के समझ आ गए होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने शेयर्स के किए थे, आज की वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड्स के क्वेश्चन किए। सो ये थे हमारे क्वेश्चन जो हमने म्यूचुअल फंड्स के किए। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझना है एंड उसमें कैलकुलेट करके निकालना है। बस फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन में हमें कौन सा फॉर्मूला पुट करना है। सो आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।